मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों, कैसे हो आप? आज हम बात करने वाले हैं रेशनर प्लस टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फायदे क्या नुकसान है, इस्तेमाल पूरी जानकारी जानने वाले हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इसको न्यूरोलॉजिकल डायशोडिया में भी यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी होना उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों दोरा क्लोनिक सीजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाना इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों जनरल सीजर होना उसमें भी आपको इसको डॉक्टर यूज करवाने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों डायबिटीज न्यूरोपैथी पांव में यानी कि में दर्द होना, मरोड़ होना, बैसिलिटिस होना, बहुत तेज दर्द होना उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों ब्लिस्टर हो जाना उसमें भी आपको डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों चिकन पॉक्स हो जाना उसमें भी आपको डॉक्टर इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों हर्पीस सिंपल जलन हो रही हो उसमें भी आप इसको डॉक्टर देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों माइग्रेन फोनेलेक्शन हो जाना उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हाथ पांव होंठ मस्तिष्क के जो मोटोन्यूरोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कई ये मोटोन्यूरोन कमजोर हो जाते हैं जिस कारण से मसल्स में स्टिकनेस होना, मरोड़ कमजोरी लगना, मसल्स में कंपनन होना और कई बार आवाज नहीं निकलना या निकलने वाली समस्या होने पर भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों ऑस्टियोथायरिस्टोस हो जाना उसमें भी डॉक्टर आपको इसको देने की सलाह दे सकता है, या फिर दोस्तों साइटिका नाम के एक बीमारी है इसमें क्या होता है कुल्ले से लगाकर एडी तक पांव में पूरा दर्द होने लगता है उसमें भी आपको इसको देने की डॉक्टर सलाह दे सकता है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जान। तो दोस्तों ये रेशनर प्लस टैबलेट की फुल इंफॉर्मेशन, फुल जानकारी। दोस्तों अगर आप मशल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।